पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा खेद व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं खुद बहुत शॉक हो गई थी सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ की बात सुन करके। जब मुझे ये पता चला तो पहले मुझे यकीन नहीं आया, मुझे लगा मैंने गलत नाम पढ़ लिया या कोई और होगा। उसके बाद मैंने जब गूगल में सर्च किया और सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ की न्यूज़ मेरे सामने आई तो मैं बहुत शॉक्ड थी, मुझे यकीन नहीं हुआ। इकट्ठे फिट, उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में वो बहुत खुश थे, बहुत अच्छा ऑफ लेट वो कर रहे थे, सब कुछ उनके जीवन में अच्छा चल रहा था। और अचानक से आज अर्ली मॉर्निंग बताते हैं कि उनकी मैसिव हार्ट अटैक से डेथ हुई है। हाँ, कूपर हॉस्पिटल में उनको लेके जाया गया उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा। उनकी जो बहुत अच्छी फ्रेंड हैं शहनाज गिल, वो भी उनके साथ थी। और मेरे को कई बार बड़ा दुख लगता है कि उनकी जो जोड़ी थी ना, उसको सिडनाज बुलाया करते थे, तो आज सिडनाज एक की जोड़ी जो थी इतनी प्यारी जोड़ी, वो टूट गई। और एक बहुत ही अच्छा उम्दा बेहतरीन इंसान और कलाकार फिर से हम लोगों ने छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत जैसे सामान्य वर्ग से या नॉन बॉलीवुड फटर्निटी से आता था, वैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला भी था। सिद्धार्थ ने अपना मुकाम अपनी मेहनत से टीवी इंडस्ट्री में हासिल किया था या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हासिल किया था। कोई उसके ऊपर किसी का कोई वरद हस्त नहीं था, कोई बहुत बड़े लोग उसके पीछे नहीं थे। तो ये बहुत ही शॉकिंग है, बहुत दुख है। और दुख की बात ये भी है कि उनके पिता नहीं हैं, दो बहनें और माता हैं। बताते हैं कि माता जी की बहुत बुरी हालत है, रीटा जी की ऑब्वियसली होगी, जिन्होंने अपना जवान बेटा खो लिया। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ सरकार से कि प्लीज़ ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको ध्यान से कीजिएगा। अगर कोई भी एंगल है उसको मत छोड़ना, पहले के जैसे मत छोड़ना, हर एंगल को आप चेक करो, हर एंगल देखो। अभी क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेटेड है, अभी तक आई नहीं है, और उसके बाद हमें सही कारण पता चलेंगे। भगवान ना करे इसके पीछे भी कोई कंस्पिरेसी हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा पवन तो विश्वास और दिल दोनों ही टूट जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। सुशांत के टाइम पे कोपर हॉस्पिटल का जो पोस्टमार्टम था उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बुरा था, जिस पे किसी देशवासी ने विश्वास नहीं किया था। क्या इस पोस्टमार्टम पे देशवासी विश्वास कर सकते हैं? नहीं, कूपर हॉस्पिटल की एक्चुअली इमेज इतनी ख़राब हो गई है ना कि लगातार मुझे जब से सिद्धार्थ की डेथ हुई और उनकी डेड बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, मुझे इतने मैसेज आ गए मेरे DM में और अदरवाइज ऑल्सो इतने मैसेजेस आ गए, और लगातार यही बोल रहे हैं कि ममता मैम क्यों कूपर हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, ममता मैम सिद्धार्थ के साथ कुछ गलत हुआ है, सिद्धार्थ के साथ भी कुछ गलत हुआ है, उसकी ऑटोप्सी के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए। क्योंकि दूध का जलावा होता है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। और जनता इस वक्त ऐसे ही हो गई है, क्योंकि कूपर की इमेज सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद एकदम खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, और बिल्कुल होनी भी चाहिए। क्योंकि कूपर की जो प्रोफेशनल इमेज है और जो कूपर का जो प्रोफेशनलिज्म है वो हाशिए पे तो है, स्टेक पे तो है, क्योंकि सुशांत के मामले में बहुत ही शॉडी इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत ही शॉडी ऑटोप्सी हुई, और टोटल जो भी उन्होंने चीज़ें करी वो बहुत शॉडी थी, बहुत गलत थी। आई होप एंड प्रे कि ऐसा कुछ सिद्धार्थ के साथ नहीं हुआ हो। मैं अभी मतलब उनकी डेथ किस कारण से हुई है वो मैं नहीं जानती, हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक बोला जा रहा है, मैं उसी को लेकर के अभी चल रही हूँ। लेकिन मैं यही सोच मतलब उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा कुछ हुआ ना हो। हाँ, अभी क्या हो जाता है ना कि जब ऐसी चीज़ें आती हैं संज्ञान में तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है। बालिका वधू की फेम वाले सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने बालिका वधू से बहुत नाम कमाया था, मुझे आज ये भी एक बड़ा अजीब सा लग रहा था कि बालिका वधू के जो दोनों मेन लीड थे, प्रत्युषा बैनर्जी और सुशांत, दोनों ही इस दुनिया में नहीं रही। प्रत्युषा बैनर्जी ने भी सुइसाइड कमिट करी थी, और उस वक्त उसकी सुइसाइड कमिट करने के बाद भी बहुत बड़ा तमाशा जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने उठाया था कि उसको भी मतलब शी वॉज पुश्ड टू कमिट सुइसाइड। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती रही हैं वहाँ पर, जो पर्दा है उसके पीछे बहुत सारी इलीगल चीज़ें होती हैं, हम लोग जानते हैं। सुशांत की डेथ के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई हैं, ये हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो विश्वास करना वहाँ पर डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम लोग वेट करें कि क्या रिपोर्ट से बात करें। ईमानदारी से पुलिस और प्रशासन वहाँ की जाँच करेगा इस केस की? ईमानदारी से पुलिस और प्रशासन को करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि जनता का विश्वास उन पर रहे, अगर वो चाहते हैं कि वो जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने खोई है उसको दोबारा से स्थापित कर पाएँ, तो उनको बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सिद्धार्थ शुक्ला का जो केस है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऑल्सो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो इमेज ख़राब हो गई है सुशांत के मामले में वहाँ के पुलिस महकमे की, और पूरा पुलिस महकमा ख़राब है ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन कुछ लोगों की और सरकार की, उसको तो वापस लेना बहुत मुश्किल है। ये जो तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार है ना, इसका उभर करके वापस आना, ये कुछ भी कर लें, एड़ी से चोटी का जोर लगा लें, नहीं हो पाएगा वो पवन। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।